ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया था हमने? हम पढ़ रहे थे सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल, है ना। सीमा, परिमाप और क्षेत्रफल हमने देख लिया था होता क्या है। हमने अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, परिमाप हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज का। परिमाप के बारे में मैंने क्या बताया था, क्या होता था बेटा परिमाप, कि अगर आप किसी भी आकृति की सीमाओं को जोड़ दे, मान लीजिए मैंने त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज बना दिया जिसका नाम मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड, अगर इस त्रिभुज की सारी सीमाओं को जोड़ दे, तीन सीमा है, मतलब ये त्रिभुज तीन सीमाओं में बटा हुआ है ना, जैसे अगर मैं इसकी भुजा की बात करूँ, सीमा को हम भुजा भी बोल सकते हैं इस त्रिभुज के लिए, ठीक है, तीनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। जैसे इसकी भुजा कितनी है, तीन भुजा है। माइक किसका ऑन है, मैं बोल रही हूँ कि माइक ऑन नहीं करना है, करण करण के नाम से जो है माइक ऑफ कर दीजिए अपना, ठीक है। एक भुजा है एक्स वाई, दूसरी भुजा है एक्स जेड, तीसरी भुजा है वाई जेड, है ना, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, तीन ही भुजा है। अगर मैं इस तीनों भुजा को जोड़ दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमने बात करी थी इसके मात्रक के लिए, कि मात्रक क्या होता है इसका। तो परिमाप का जो मात्रक होता है हमेशा इकाई मात्रक होता है ना, इकाई पढ़ा था हमने, मतलब कि इसकी जो मात्रक होगी, यूनिट होगी, या तो सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में ही लगाएंगे। इसके ऊपर आप कोई भी घात नहीं लगाएंगे, दो तीन चार घात नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि परिमाप का मात्रक हमेशा इकाई में ही होता है, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था, क्लियर है यहाँ तक सभी को। किसी मात्रक बेटा यूनिट, जैसे कि आप मान लीजिए इस भुजा का मान है 2 सेंटीमीटर, इस वाली भुजा का मान है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, बट ये वाली भुजा मैंने बोले 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर। बेटा इसका परिमाप निकालोगे, तीनों भुजाओं को जोड़ोगे, कितना आएगा जोड़ के, 7। बेटा 7 ही तो हाँ होगी, जो उसका मात्रक है, क्या है मात्रक, सेंटीमीटर में दे रखा है, 7 सेंटीमीटर उत्तर आएगा इसका, सिर्फ 7 आंसर नहीं होगा, कहने का ये मतलब है मेरा, ठीक है। ओके किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, या क्लियर है यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऐसा बच्चा यहाँ तक क्लियर है तो चैट सेक्शन में वाई टाइप कीजिए। मैं दोबारा समझाना। कहाँ से समझाऊं बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया ये बताओ। ये एक और दोबारा समझाना, दोबारा से बता दो। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये बोला कि परिमाप कैसे निकालते हैं किसी भी आकृति के लिए। मैं यहाँ त्रिभुज की बात कर रही हूँ, ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, अगर मैं तीनों भुजाओं को जोड़ दूं उसका परिमाप आ जाएगा। तो मैं तीनों भुजाएं जोड़ दी आपस में, ठीक है, मैंने मान ली कि पहली भुजा 2 थी, दूसरी भुजा 3 थी, तीसरी भुजा 2 थी, तीनों को जोड़ा 7 आया, 7 में उसका मात्रक लिख दिया, बस इतना ही बोला है मैंने। परिमाप कभी भी निकालना, कोई भी आकृति हो, त्रिभुज हो, वर्ग हो, चतुर्भुज हो, आपको क्या करना है, सिर्फ भुजाओं को जोड़ देना है जितनी भी उसकी भुजाएं होंगी। अभी क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए अब आपको ये समझ में आ गया, इसी के आधार पे आपको एक प्रश्न हल करना है, ठीक है, रिकॉल टेस्ट करते हैं हम, ठीक है। तो सभी इसका उत्तर कहाँ देंगे, पोल सेक्शन में उत्तर देंगे। ये है प्रश्न आपके सामने, आपको ए बी सी डी एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, इसका हमें परिमाप निकालना है, इस आकृति का परिमाप। भुजाएं आपको दे रखी हैं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे इसका।
चलिए, दो बच्चों ने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। वेरी गुड बेटा, 12 बच्चों ने आंसर कर दिया है। 12 में से कितने बच्चों का सही है? 10 बच्चों का सही है। वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड्स और है आपके पास, 20 सेकेंड का समय और है। मैम चलिए कितने लास्ट बच्चा के। का? हाँ जी, मैम कितने बच्चे का सही है? मैम अच्छा भी बता रही हूँ। लास्ट के 10 सेकंड्स और है बेटा, 10 बच्चों का सही है 14 में से। चलिए लास्ट के 5 सेकंड्स और हैं, तो 14 बच्चों ने उत्तर दिए, बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। चलिए पोल सेक्शन मैंने एंड कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर दीजिए इसका। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो आपको एडी भुजा का मान तो पता है ना? अगर परिमाप देखिए तो आपको चारों भुजाओं को भुजा, तो चार भुजाएं हैं, क्या होगी? एडी प्लस डी सी प्लस बी सी प्लस एबी। तो आप किसी को भी कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है? चाहे डीसी पहले ले लो, एडी बाद में ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको चारों भुजाएं चाहिए। एडी का मान दिया हुआ है 10, डीसी का मान नहीं पता। बेटा डीसी का मान कैसे पता होगा? जो एबी भुजा है उसी के सामने वाली डीसी है। अब आपको पता है कि किसी भी आयत की जो सामने वाली अपोजिट जो भुजाएं होती है एक दूसरे के आमने सामने वाली, ठीक है, ऐसी भुजाएं क्या होती है? बराबर। तो अगर ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। वैसे ये 10 है तो इसके सामने भुजा है BC, ये भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, है ना? हाँ, ये सभी को पता है। तो DC हो गया 12, BC हो गया 10, AB हो गया 12। सभी को जोड़ दो, 10 और 10 हो जाएंगे 20, 24। कितना आ जाएगा बेटा? 44 मात्रा लिखो सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, सभी को क्लियर हो गया ये? सभी को क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसका गलत भी हो तो उसको मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया हो कि कहाँ उसने गड़बड़ करी थी। वेरी गुड। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब जैसे ही किसी भी आकृति की हमारी परिमाप होता है वैसे त्रिभुज का भी परिमाप निकालेंगे हम, मतलब तीनों भुजाओं की कुल लंबाई हमारी क्या कहलाएगी? त्रिभुज का परिमाप कहलाएगी, है ना? क्योंकि तीन ही भुजाएं होती है। मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी, जिसमें ए बी भुजा का मान कितना है? ए सी भुजा कितनी है? बी।
बीसी भुजा कितनी है? सी। अगर मुझे एबीसी का परिमाप चाहिए, तीनों भुजाओं को जोड़ दूंगी, क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही तो आएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ दो, है ना? सिंपल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए, अब हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था कि भुजाओं के आकार आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने तरीके के होते थे बेटा? कितने तरीके के होते थे? तीन प्रकार के होते थे भुजाओं के आधार पर, है ना? तीन प्रकार के होते थे। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। कौन कौन से है? पहला है हमारा समबाहु त्रिभुज, पहला है समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसे हम इक्विलेटरल कहते थे। वेरी गुड, तीन तरीके के। दूसरा है समद्विबाहु, मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर। तीसरा है विषमबाहु, जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होती थी। पहले से शुरू करते हैं। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं एक जैसी हैं। बेटा स्क्रीन तो दिखनी चाहिए, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो। एक बार क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, अंजलि के नाम से जो है। बाकी बच्चों को स्क्रीन क्लियर है ना? यस ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम पहले से शुरू करते हैं। समबाहु मतलब इक्विलेटर, जिसकी तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं बराबर होती है, वही तो होता है हमारा समबाहु। तो मान लीजिए ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें पहली भुजा है ए, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए। अगर इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप का सूत्र क्या होता है बेटा? तीनों भुजाओं को जोड़ दो, मतलब ए प्लस ए प्लस ए। जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे आप, तो ए तीन बार है, कितना आ जाएगा? तीन ए, थ्री ए, है ना? थ्री ए। थ्री ए का क्या मतलब है? 3 गुणा ए। ए यहाँ पे क्या है? भुजा। मतलब जो भी आपको भुजा का मान दिया होगा, उसको 3 से गुणा कर दोगे समबाहु त्रिभुज के लिए, तो आपका परिमाप आ जाएगा। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इतना क्लियर है? तो कभी भी कोई भी आपसे पूछे कि भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने का सूत्र क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 3 इंटू ए, 3 ए, या 3 इंटू साइड, 3 गुणा भुजा इसका सूत्र हो जाएगा। 3 गुणा भुजा। इतना सभी को समझ में आया कि 3 से क्यों गुणा हुआ है? वेरी गुड। तो ये तो बात हो गई यहां से। अब हम करते हैं दूसरे तरीके की त्रिभुज की बात, जो था हमारा समद्विबाहु। द्वि लिखा हुआ है, द्वि मतलब दो, जिसकी, हाँ नहीं, समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर होती है, द्वि लिखा है ना? तो दो भुजा अगर बराबर हो तो कैसा त्रिभुज हो जाएगा? समद्विबाहु। जैसे कि इस त्रिभुज को मैं अगर एबीसी नाम दे दूं, पहली भुजा है ए, दूसरी भी ए, तीसरी बी, तो दो भुजा हुई ना बराबर, ये वाली और ये वाली, है ना? यस, ठीक है। तो अगर इसका परिमाप निकालना है, क्या है परिमाप का सूत्र? ए प्लस बी तो लिखोगे, है ना? तीनों भुजाएं, पहली भुजा ए, दूसरी ए, तीसरी बी। ए दो बार है तो जोड़ दो, कितना आएगा? 2a+b, यही लिखा हुआ है, 2a+b। इस 2a का क्या मतलब है यहाँ? 2 गुणा भुजा जो भी दी होगी, प्लस बी, प्लस तीसरी भुजा जो होगी। इतना क्लियर है समद्विबाहु के लिए? वेरी गुड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए सब। वो समझने के लिए फॉर्मूला आपने यही लिखना है, सिंपल सा। ठीक है, तीसरे वाले की बात करते हैं, विषम बाहु। विषम बाहु क्या था? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, तीनों अलग 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 हो। जैसे इस त्रिभुज की बात करूं, ए बी सी, पहली भुजा ए मान लू, दूसरी बी, तीसरी सी। ठीक है, अगर इसका परिमाप निकालना है, तो ये गलत है यहाँ पे।
इसका अगर मुझे परिमाप निकालना है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों ही भुजाएं मेरी अलग हैं। ये तो लिखोगे परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी, है ना, क्योंकि एक भी बराबर नहीं है, तीनों अलग है, तो ए प्लस बी प्लस सी। सभी को क्लियर हो गया? तीनों तरह के त्रिभुज का परिमाप हम कैसे निकालेंगे सूत्र के साथ? नहीं, थ्री ए मत लिखो बेटा, थ्री ए क्यों लिख रहे हो? सिंपल ए प्लस बी प्लस सी होगा, थ्री तो हो ही नहीं सकता ना साथ में गुणा। ठीक है, रोहित के नाम से जो है, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे सिंपल। चलिए, इतना सभी को समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न आएगा, ठीक है, चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है, प्रश्न सॉल्व करेंगे सभी। ठीक है, प्रश्न 10, आपको एक त्रिभुजाकार पार्क दिया हुआ है, इसको नाम दे दो एबीसी, इसका आपने परिमाप निकालना है। सभी को त्रिभुज देख के ही पता चल गया होगा कि किस तरीके का त्रिभुज है ना। जब चैट सेक्शन ऑन करूंगी तब आपसे पूछूंगी किस तरीके का त्रिभुज है, अभी कोई नहीं बताएगा। इसका परिमाप निकालिए। बेटा माइक ऑन मत करो, करण करण के नाम से जो है, कॉल सेक्शन में उत्तर दीजिए बस। 9 बच्चों ने उत्तर दे दिया, वेरी गुड। मैम किस किस का सही है? बेटा ये नेम तो बाद में पता चलेंगे, बट 10 में से 9 बच्चों का उत्तर सही है। ठीक है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सिर्फ आपको तीनों भुजाओं का परिमाप निकाल, भुजाओं का सॉरी, सिर्फ आपको त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो आपको पता है कि तीनों भुजाओं को जोड़ना है सिंपल। बहुत ही इजी प्रश्न है, ज्यादा समय भी नहीं लगना चाहिए इसे हल करने के लिए, है ना। वेरी गुड, लास्ट के 10 सेकेंड्स और है आपके पास, 10 सेकेंड्स और। दस सेकेंड्स और हैं, जल्दी से करिए उत्तर। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन अब मैं बंद कर रही हूँ, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर देंगे। वेरी गुड, उत्तर ज्यादातर बच्चों का सही है ना, आपको तो आ गया। फिर चलो परिमाप कैसे निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे। पहली भुजा ए बी, ए सी प्लस बी सी। ए बी का मान सभी को दिख रहा है 90 है। अच्छा, चैट सेक्शन में सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि किस तरीके का त्रिभुज है ये। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखो किस तरीके का त्रिभुज है। विषम यस, बट आपको चैट सेक्शन में लिखना था विषम बाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग है ना। स्केलिन ट्रायंगल, बाहु, वेरी गुड, विषम बाहु या स्केलिन, तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा,
200, मात्रक क्या है? मीटर, 200 मीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी ही हमारा सही उत्तर है। ये है ना, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर। वेरी गुड, स्केलिन ट्रायंगल है। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करने के लिए रेडी है सब? अब देखिए थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है। आपको त्रिभुज तो दिया हुआ है, ठीक है, किस तरह का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको इसका परिमाप निकालना है ना? परिमाप तो निकाल लेते, पर आपको एक भुजा का मान दिया नहीं है, एसी एसी भुजा नहीं दी है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कितने लोग कर पाते हैं। अगर तीसरी भुजा नहीं दी हो, समकोण त्रिभुज हो, तो कैसे निकालेंगे आप? कोई भी नहीं बोलेगा, सब अपने अपनी कॉपी में हल करेंगे इसे। कैसे निकालेंगे? चलिए देखते हैं। वेरी गुड, 7 बच्चों ने उत्तर भी दे दिए इतनी जल्दी। लेकिन 7 में से 4 बच्चों का उत्तर गलत है। तो जल्दीबाजी में कोई नहीं करेंगे, तो ध्यान से सोचेंगे और देखेंगे कि क्या लगेगा यहाँ पे, कि मैं तीसरी भुजा निकाल के इसका परिमाप निकाल सकती हूँ। नौ बच्चों ने उत्तर दे दिए बेटा, ज्यादातर बच्चे गलत कर रहे हैं। 9 में से 3 ही बच्चों ने उत्तर सही किया अभी तो। हम कितने बच्चों का सही है? अच्छा, बेटा अभी 5 बच्चों का सही है, 13 में से 5 ही बच्चों का सही है। चलिए 15 बच्चों ने उत्तर दे दिया। वेरी गुड। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स और हैं। 10 सेकेंड्स। वेरी गुड, लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स, ठीक है, पोल मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। मिक्सअप आंसर आ रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है ना, ए एंड डी में ही कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैं ए सेक्शन की बात करती, ए ऑप्शन की बात करती, तो 17 कैसे आया होगा बच्चों का? आपने क्या किया होगा? बीसी और एबी भुजा को जोड़ दिया होगा, जो कि गलत है बिल्कुल।
कैसे जोड़ सकते हो? तीसरी भुजा जोड़ी आपने एसी इसमें, क्या एसी भुजा जोड़ी इसमें? क्या त्रिभुज का जो परिमाप होता है दोनों भुजाओं को जोड़ने पे आता है, तीनों भुजाओं को? दो भुजा आप कैसे जोड़ सकते हैं? तो ए तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता इसका। तो मतलब पहले मुझे तीसरी भुजा निकालनी होगी इसकी, तीसरी भुजा निकालनी है। चलो मैं है ना दूसरे पेज पे करवाती हूँ, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, नाम दे देती हूँ मैं से, ए बी सी। ठीक है, ये था 5 मीटर, ये था 12 मीटर। एसी आपने निकालना है, तो जब तक एसी नहीं आएगा तब तक आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लिखेंगे कि यदि समकोण त्रिभुज है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो कौन सा परिमेय लगाते थे? परिमेय का नाम बताइए। किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, कौन सा परिमेय लगाते थे? वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर किया। पाइथागोरस यस, विष्णु के नाम से जो बच्चा सबसे पहले आंसर किया है, पाइथागोरस। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड, विष्णु के नाम से जो भी बच्चा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? यस, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर। कर्ण का है, कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है जो यहाँ पे एसी है। लंब क्या है? लंब क्या है, इसकी हाइट क्या है? ए बी ऊंचाई। आधार क्या है जिसपे बना है? बीसी। मान पुट कर दीजिए, ए बी कितना देर का है? 5। बीसी कितना है? 12। 5 का स्क्वायर, इसको हिंदी में भी पाइथागोरस परिमेय कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ये याद होने चाहिए 15-20 तक, सभी को मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्ट 169 बराबर एसी स्क्वायर। एसी बराबर 169 का 170 का कितना वर्गमूल? किसका होता है ये? 13 का होता है। उत्तर क्या आ गया? 13 मीटर। एसी भुजा आ गई 13 मीटर। बस तीनों भुजाएं परिमाप से निकाल ही सकते हैं, परिमाप का सूत्र आपको पता ही है, ए बी प्लस बी सी प्लस एसी, है ना? ए बी है 5, बी सी है 12, ए सी है 13। तीनों को जोड़ोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ? 30 मीटर। 30 मीटर, क्लियर है सभी को प्रश्न? यस, 30 मीटर। तो सबसे बड़ी गलती क्या कर दी आप लोगों ने? दो भुजाओं को जोड़ दिया जो कि नहीं जोड़ना था। कोई ऐसा बच्चा जिसे ना समझ में आया हो ये प्रश्न, अभी भी पूछ सकते हैं, सभी को क्लियर है, क्योंकि पाइथागोरस परिमेय हम पहले पढ़ के आ चुके हैं ज्योमेट्री में। वेरी गुड बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, जो भी करना है जल्दी से। मैम स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? बेटा वो सबके फोन में अलग होता है, वैसे तो आपको क्या करना है, अपने फोन का जो आवाज बढ़ाने वाला होता है ना, जिससे आवाज कम होती है, उसे दबाओ, और उसके नीचे जो बटन होता है पावर ऑफ का, दोनों का एक साथ दबाते हैं, स्क्रीनशॉट हो जाता है। जिसे आवाज कम करते हैं वो बटन, और जिसे स्क्रीन बंद करते हैं वो बटन, दोनों एक साथ दबाते हैं। मोबाइल फोन कोई सा भी हो, ज्यादातर में यही ऑप्शन होता है ना। चलिए क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपका,
है सभी को? ठीक है, हो गया। चलिए अब एक और प्रश्न है इसके बाद। ये थोड़ा सा इजी प्रश्न है। आपको बोला है कि एक त्रिभुज है जिसकी तीन भुजाएं हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं का मान दे दिया है 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, और परिमाप भी दिया है 17। तो तीसरी भुजा जो कि मुझे नहीं पता है, जो वाई दे रखी है, उसका मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे फोर सेक्शन में आंसर करेंगे इसका। तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना। मैम यस डाक से बताना आया फॉर्मूला जो इसमें बताकर 17 माइनस y थी। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं, परिमाप का सूत्र लगाइए। गलत बोल रहे हैं आप। मैं मेरा पोल सेक्शन में गलत हो गया तो मैं चैट सेक्शन में कर सकता हूँ। हाँ, चैट सेक्शन में कर देना, ठीक है, अगर गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड, 11 बच्चों ने उत्तर दे दिया, जिसमें से 5 बच्चों का उत्तर सही है 11 में से। वेरी गुड। चलिए 10 सेकंड का समय और है आपके पास, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है। 10 सेकंड और ले लीजिए आप। यस किसका ठीक है? बेटा, नेम तो नहीं बता सकती, बस इतना बोल सकती हूँ कि 6 बच्चों का भी सही है। ओके मैम। बेटा लास्ट के 5 सेकंड और हैं। इससे पहले वाला प्रश्न 16 लोगों ने उत्तर दिया था, अभी सिर्फ 13 बच्चों ने ही उत्तर दिया है। चलिए पोल मैंने एंड कर दिया है, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में उत्तर करेंगे। ठीक है, इसको हल करने के लिए मैं, जब भी ना ऐसे प्रश्न आए ना, जब भी, तो हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम आकृति बना रहे, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइए कि आपको मार्क्स भी मिलते हैं। आदत डाल लो डायग्राम बनाने की। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, त्रिभुज बना दिया ABC, ठीक है। एक भुजा थी 6 सेंटीमीटर,
एक भुजा थी 7 सेंटीमीटर, एक भुजा थी वाई, मुझे यही भुजा वाई निकालनी है। परिमाप कितना दिया था? 17 सेंटीमीटर। आपको पता है परिमाप का सूत्र क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। ए को मान लो अगर 6 है, 6, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूजन हो रही है तो। परिमाप बराबर ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। ए बी का मान कितना है? 6। ए सी कितना है? 7। बी सी कितना है? वाई। परिमाप कितना दिया है? 17। 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 13 प्लस वाई। वाई का मान कितना आएगा? 13 में से 17, 17 में से 13 माइनस हो जाएगा, 17 में से 13 आप माइनस कर देंगे, बराबर 4 सेंटीमीटर। क्लियर है सभी को? 4 कैसे आया? सिंपल सा आपको सूत्र ही लगाना था परिमाप का, और वैल्यू पुट करने थी, आपका आंसर आ जाता। सभी को क्लियर है ना बेटा? नोट डाउन कर लीजिए इसे। ये रहा क्वेश्चन, ठीक है? चैट सेक्शन आपके पर्सनल टॉक के लिए नहीं है ना संदीप? चलिए अगला टॉपिक है आज का, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो क्षेत्रफल सभी को पता है, तो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज जितना भाग कवर करेगा तल का, जिस भी तल पे बना हुआ है जितना उसका भाग घेरेगा वही उसका क्षेत्रफल होता है। मतलब ये अंदर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? एबीसी के अंदर वाला हिस्सा इसका एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाएगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है, यही इसका क्षेत्रफल है। अब क्षेत्रफल निकालने का भी कुछ ना कुछ सूत्र होता होगा, है ना? क्या होता है सूत्र, ध्यान से देखना। मान लीजिए एबीसी त्रिभुज दे रखा है, बीसी क्या है इसका? आधार है, ठीक है? बीसी बेस है इसका, ठीक है? बेस क्या होता है? आधार क्या होता है? जिसके ऊपर त्रिभुज बना हुआ है, कोई भी आकृति जिसके ऊपर बनी हो तो उसका आधार कहलाता है। बीसी आधार हो गया। ऊंचाई क्या है? किसी भी आकृति की सबसे ऊंची हाइट, ठीक है? जहां से सबसे ऊंचा हिस्सा वही उसकी ऊंचाई कहलाती है। तो क्या होगी? मैंने क्या कर दिया? ए वाले शीर्ष से मैंने एक लंबवत डाल दिया आधार पर। बीसी आधार है, बीसी आधार पर मैंने क्या कर दिया? एक लंबवत डाल दिया ए शीर्ष से, ठीक है? डाल दिया मैंने। इस नाम को मैंने पॉइंट डी दे दिया जहां वो लंबवत मिल रहा है। बेटा सभी को पता है लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा होगा, है ना? लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो लंबवत जिस भी भुजा पर गिरता है उस भुजा को दो हिस्सों पे डिवाइड भी करता है, मतलब ये और ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है? ये प्रॉपर्टी है, ये गुण है, याद रखिएगा कि लंबवत क्या करता है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, और दूसरा जिस भी भुजा पे गिरता है उस भुजा को दो बराबर हिस्सों में तोड़ता भी है। क्लियर है? यहां से क्लियर हो गया, ठीक है? तो ऊंचाई क्या बोल दोगे? एडी इसकी ऊंचाई हो गई। यहां तक क्लियर है सभी को? तो चैट सेक्शन में वाई लिखी अगर यहां तक क्लियर है। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना? ठीक है, आगे देखिए, आगे सूत्र कैसे बनेगा?
अब इसका सूत्र हो जाएगा किसी भी त्रिभुज के लिए जिसकी ऊंचाई हो कुछ ना कुछ और आधार तो होगा ही, ठीक है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और उस पे लंबवत भी होना चाहिए, लंबवत है ठीक है, तभी उसमें ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा, आधा गुणा हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, हाफ इंटू आधार को बेस डी हाइट ऊंचाई, सभी याद कर लीजिए, हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। यस, वेरी गुड शिवानी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि भाई तीन तरीके के हम त्रिभुज यहाँ पे मेनली देखेंगे, पहला समकोण त्रिभुज देखेंगे, समकोण त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होगा, दूसरा समबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होगा, तीसरा समद्विबाहु त्रिभुज के लिए सूत्र क्या होगा, ठीक है? समकोण त्रिभुज है, लंबवत भी दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, इस त्रिभुज को अगर मैं एबी से नाम दे दूं, लंबवत भी दिख रहा है, ठीक है? आधार क्या है यहाँ पे, आधार बीसी है, बीसी का मान कितना है बी, ऊंचाई कितनी है ए बी, जिसका मान कितना है ए, तो यहाँ से सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, क्षेत्रफल का हाफ गुणा आधार कितना है बी, ऊंचाई कितना है ए, सभी को क्लियर है? कोई भी वैल्यू दे रखी हो, अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे परपेंडिक लंबवत है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसकी ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा ये वाला सूत्र लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के त्रिभुज की, जो कि है समबाहु, ठीक है, समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर मुझे दिया हो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पे ऊंचाई दिख रही है, समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई दिख रही है आपको, यस और नो, इस वाले त्रिभुज में कहीं ऊंचाई है कि कहाँ पे है ऊंचाई बताओ, क्या है ऊंचाई, अगर दिख रही है तो ऊंचाई का नाम बताओ, कहाँ है ऊंचाई, वेरी गुड, नहीं है इसकी ऊंचाई, अब ऊंचाई नहीं है तो मैं सूत्र कैसे लगाऊं, ये हाफ गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला है ना, ऊंचाई तो मुझे चाहिए तभी लग सकता है, तो ऊंचाई डालने के लिए क्या मैं यहाँ से अगर इसको ए बी सी नाम दे दूं, तो ए शीर्ष से एक लंबवत ड्रॉ कर सकती हूँ, लंबवत डाल सकते हो बी सी भुजा पे, लंबवत डाल दूंगी तो मेरी ऊंचाई आ जाएगी, आएगी या नहीं, यस और नो, अगर मैं ए शीट से बी सी भुजा पे लंबवत डाल दूं तो ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई आते ही हम सूत्र लगा सकते हैं, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला, वेरी गुड है ना, चलिए तो ये सूत्र यहाँ से ऊंचाई आ गई, √2 √3/2 इंटू आधार, अच्छा ये चीज यहाँ पे जो आई ये आप डायरेक्ट ऐसे ही याद करना चाहते हैं या फिर मैं आपको दिखाऊं कि आया कैसे, पूरा समझना चाहेंगे कि आया कैसे ये चीज, सभी बच्चे ठीक है, चलो तो इसके लिए मुझे एक पेज लेके यहाँ पे दोबारा से एक समबाहु त्रिभुज बनाना होगा, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखना, ठीक है, ये है समबाहु त्रिभुज, ए बी सी मैंने नाम दे दिया, पहले वाला ही है समबाहु है, एक भुजा ए दूसरी ए तीसरी बी सी भी, अब मैंने कहा मुझे ऊंचाई निकालने के लिए ए शीट से मैंने एक लंबवत डाल दिया, हाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा मान लो डी है,
अब लंबवत का एक और गुण बताया था कि जिस भुजा पे पड़ता है उसे दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगा, मतलब ये और ये बराबर। अगर ये टोटल पूरा ए है तो बी डी ए बाई टू और ये भी ए बाई टू होगा, ए का आधा होगा या नहीं इतना बताओ। लंबवत बराबर हिस्सों में तोड़ेगा तो एक ए बाई टू दूसरे भी ए बाई टू, दोनों को जोड़ के तभी तो ए आएगा, है ना। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब मुझे एसी पता है, मुझे डीसी पता है, एडी कैसे निकालोगे? 90 डिग्री का कोण दे रखा है, कौन सा परिमेय लगाओगे? जल्दी बताओ, एडी का मान चाहिए मुझे। एसी मुझे दे रखा है, वेरी पाइथागोरस गुड। डीसी है ए बाई टू, मैम, वेरी पाइथागोरस गुड। आप दोनों में से किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हो, चाहे पाइथागोरस तो मैम। दोनों में से किसी भी त्रिभुज में आप पाइथागोरस लगा लो, दोनों से सेम ही मान आएगा ऊंचाई का। तो मैं एडीसी में लगा देती हूँ, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस क्या कहेगा? लंब यहाँ पे कर्ण क्या है? एसी। ऊंचाई क्या है? एडी। आधार क्या है? डीसी, है ना। एसी कितनी है? ए यहाँ दिया हुआ है, ए का स्क्वायर। एडी कितना है? मुझे एडी निकालना है, एडी का मान नहीं दिया, एडी नहीं दिया। डीसी कितना है? ए बाई टू का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर या वर्ग। ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर, दो का स्क्वायर, दो को दो बार गुणा करोगे चार आएगा, लिख लिया। एडी का मान कैसे आएगा? एडी बराबर, अब इसको आप उस तरफ ले जाओगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय फोर। एलसीएम ले लीजिए, चार आएगा, चार ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, चार में से एक जाएंगे, तीन ए स्क्वायर बाय फोर। एडी स्क्वायर बराबर वर्गमूल 3a² / 4, यहाँ जगह नहीं, ऊपर लिख देती हूँ। आपको पता है तीन किसी भी नंबर का वर्गमूल नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, √3a², ए चार किसका होता है? दो का। एडी आ गया ये आपके पास, जो कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे दिख गया आपको ये वाली चीज, ये वाली, ये यहां से आई है। क्या सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है कि कैसे आई? वहां डायरेक्ट लिखा था, मैंने आपको पूरा डिराइव करके दिखा दिया कि आया कैसे। हाँ, रमेश के नाम से जो है बेटा, कहाँ प्रॉब्लम है, किस पॉइंट पे समझ में नहीं आया आपको, पूछिए, माइक ऑन करके पूछ सकते हो, किस जगह समझ में नहीं आया? मैंने सिंपल पाइथागोरस परिमेय लगाया है, कहाँ समझ में नहीं आया आपको? यस, पूछो। लास्ट में समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना आ गया आपको, ये लिखा था मैंने, है ना। अब आपको इसके आगे समझ में नहीं आया बेटा, जब भी ऐसा होता है वर्गमूल के अंदर कोई चीज होती है तो हमेशा जोड़े में होनी चाहिए ना। तीन किसी का वर्गमूल होता है, किसी नंबर को दो बार गुणा करोगे तीन आ पाएगा कभी? एक को छोड़ के, वन को छोड़ के, क्या कोई ऐसा नंबर है? नहीं है। तो तीन किसी भी नंबर का वर्गमूल नहीं होता, किससे शुरू होता है? एक, चार, है ना, के बाद आता है कितना? नौ, फिर कितना आता है? 16, ठीक है। तीन तो कहीं नहीं आ रहा, तो तीन कहीं नहीं आ रहा तो उसे आप वर्गमूल में ही रहने दो, ठीक है, वर्गमूल में ही रहने दो, √3 रहेगा। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का वर्गमूल किसके बराबर होगा बेटा? ए गुणा ए लिखोगे, दो जब होते हैं, दो का जोड़ा जब एक का जोड़ा होता है, एक बाहर आ जाता है, ए आ गया। चार, चार किसका होता है? अभी मैंने देखा चार होता है आपका दो का वर्गमूल, चार को हटा के दो लिख सकते हो, तभी तो ये वर्ग हटे, वर्गमूल हटेगा इसके ऊपर से, तब यहां से आया।
अभी क्लियर है सभी को? कैसे आया ये? सीमा के नाम से जो बेटा, क्या नाम, क्या प्रॉब्लम है? सीमा, संदीप, नीलम, क्लियर है या समझ में नहीं आया है? कोई ऐसा स्टेप जहां नहा नहीं आया हो आपको? आज हम यहीं तक ही रहने देंगे क्योंकि थोड़ा दोबारा देर में बताना आपको मैम एक चाहिए। बार, यस, दोबारा बोलो। दोबारा बताना एक बार, यही कहां से बताना है? जहाँ से अभी अभी आपने बताया ये वाला। यही वाला बेटा, बहुत सिंपल, एक नंबर ले लो आप। चलो मैं आपसे बोलूं कि आप बताओ 16 किसका वर्गमूल होता है, तो आप एलसीएम लेंगे? एलसीएम लेना तो आता ही होगा, सभी बच्चे करेंगे। जरा 16 किसका वर्गमूल होता है वो निकालो। पहले तो ये याद ही रहना चाहिए, ठीक है? आप इतने बड़े क्लास में आ चुके हैं कि हमें 20 तक कम से कम याद होने चाहिए। 2 से करोगे आप, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 1 बार। अब कितने पेयर है यहाँ पे? दो गुणा चलिए दो गुणा दो गुणा दो, ऐसे लिखोगे? यहाँ आएगा वर्गमूल। जब भी वर्गमूल आता है आपको दो दो के जोड़ वो बनाने होते हैं पेयर, ये दो ये दो। हर दो के पेयर में से एक बाहर आता है तभी वो वर्गमूल से बाहर आएगा। ये दो, इस दो में से एक टू बाहर आ गया, इस दो में से एक टू बाहर आ गया, दोनों को गुणा करो 4। मतलब 4 को 2 बार गुणा करोगे तभी तो 16 आएगा। वही चीज मैंने ऊपर अप्लाई की है इसमें, वही चीज मैंने ऊपर अप्लाई करी है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या था? रूट, पूरा अंडर रूट है। अंडर रूट मतलब, अंडर रूट मतलब वर्गमूल 3a² / 4। 3 किसी का भी नहीं होता तो 3 का वर्गमूल नहीं हटेगा। ए स्क्वायर मतलब 2 बार है, ए के बाहर आ गया, 4 2 बार 2, इसको 2 × 2 लिखोगे, 1 2 बाहर आ जाएगा, ये आ गया। अभी क्लियर है? यस मैम, ठीक है, इसकी थोड़ी ना प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो आपको आ जाएगा, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या करना है? अभी सूत्र कैसे बना, सूत्र कैसे बना वो देखो, ठीक है? यहां से देख लो। अब आपकी ये आ गई ऊंचाई का मान। अब आपको पता है सूत्र क्या होता है? आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका बेटा? ए था आधार, ऊंचाई अभी आपने निकाली है, √3a/2। ए को ए से गुणा करोगे कितना आएगा? a² √3। नीचे दो को दो से गुणा करोगे, ये नीचे भी दो ये भी दो, 4। मतलब एक समबाहु त्रिभुज के एरिया का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र होता है वर्गमूल 3a² a का वर्ग डिवाइड बाय 4, जो कि यही लिखे है आपके सामने। क्लियर है सभी को? कैसे आया ये? तो जब भी आपसे प्रश्न पूछे कि हम ये आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई वाला सूत्र किसमें लगाएंगे, तो वहीं लगाना जहां पे आपको ऊंचाई दी गई हो। ऊंचाई दी गई है, आधार दिया गया है, तो आप वहां पे डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, चलो देखते हैं। ये बताओ, आधा गुणा आधार गुणा ऊंचाई किस तरीके के त्रिभुज में आप नहीं लगा सकते? किस तरीके के त्रिभुज में ये वाला सूत्र नहीं लगा सकते, जरा बताइए। समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु कभी? त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु में? गलत, उसमें भी लगा विषमबाहु सकते। में मैम, विषम बाहु में नहीं लगा सकते ये वाला सूत्र। अच्छा, रीजन बताओ क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि क्योंकि मैम इसकी सारी विषम भुजाएं बाहु की तीन समान भुजाएं नहीं अलग अलग होती, होती है। यस, मतलब ये देखिए, भुजा अलग होती। वेरी गुड।
जैसे कि मैं यहाँ पे देख लो इसको भी ना थोड़ा सा समझ लो। मान लीजिए मैंने ना एक विषम बाहु त्रिभुज बना दिया आपके सामने, है ना, एबीसी नाम दे दिया। तो ये आपको पता है विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी। अगर आप यहाँ से किसी भी शीर्ष से एक लंबवत भी डालोगे ना, दो त्रिभुज में तोड़ोगे, तो इन दोनों त्रिभुज का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो अलग अलग आएगी। और ऊंचाई अलग आएगी तो सूत्र सेम कैसे बनेगा? अलग होती है मैम। क्लियर है? मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम तो लगा सकते हो, पर दोनों की ऊंचाई अलग आएगी। ठीक है, मतलब ये वाला जो पाइथागोरस है यहाँ नहीं लगा सकती आप। तो आपकी बुक में एक फॉर्मूला होता था, हिरन्स फॉर्मूला, वो लगता था। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया हो कि किस तरीके की हम त्रिभुज में अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, आपका होमवर्क एक और है साथ में, जो सम द्विबाहु है ना, उसमें भी हम यहाँ से लंबवत डाल के इसका हाइट निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे, वो आपका होमवर्क है कैसे निकालेंगे। ठीक है, यही लगाना है पाइथागोरस परिमेय, सभी बच्चे करेंगे इसको। क्लियर है? चलिए, आज की क्लास यहीं तक थी। होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए इसके अलावा। पेज नंबर 120 और 121 पे प्रश्नावली 7.1 आपका होमवर्क है। क्लियर है? सभी बच्चे करेंगे। अब जिस बच्चे को डाउट नहीं है तो क्लास लीव कर सकते हैं, बाकी कोई भी बच्चा जिसे कोई भी प्रॉब्लम है वो रुक के पूछ सकता है।